दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे क्या आप फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन के अंदर ऑर्डर करना चाहते हैं, लेकिन ऑर्डर करने से पहले अपना एड्रेस आप ऐड करना चाहते हैं, जहां पर आपका ऑर्डर आएगा यानी कि डिलीवरी एड्रेस, आपका जो एड्रेस है वो आप कैसे भरेंगे फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन के अंदर, तो वही आपके साथ यहां पर शेयर करेंगे, वही आपको बताएंगे फ्लिपकार्ट में ऑर्डर करते समय या ऑर्डर करने के पहले अपना एड्रेस कैसे आप यहां पर सेट करेंगे, कैसे अपना ऑर्डर आप एड्रेस भरेंगे ताकि आपका जो प्रोडक्ट होगा उसी एड्रेस पर आपको मिल जाएगा। सबसे पहले आप फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए लेटेस्ट वर्जन में, अगर आपका पहले से डाउनलोड है तो आप इसे अपडेट कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लेटेस्ट वर्जन का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके अपडेट करिए, उसके बाद आप इसे ओपन करिए क्योंकि इसके अंदर एक नया अपडेट आया है और ये सारा प्रोसेस आपका बदल गया है। उसके बाद यहाँ पर मिलेगा अकाउंट और आप इस पर क्लिक करिए। अकाउंट पर क्लिक करते ही अपना यहाँ पर आप मोबाइल नंबर डाल के अकाउंट लॉगिन कर लीजिए। यहाँ पर आपको साइन इन का ऑप्शन मिलेगा या लॉगिन का, अपना मोबाइल नंबर डालिए और आप अकाउंट अपना लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेव एड्रेस का और आपको सेव एड्रेस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपने सेव किया होगा तो जो आपका एड्रेस होगा वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे मैंने एक बार यहाँ से ऑर्डर मंगाया था तो मैंने अपना ये वाला ऑर्डर सेव किया था, लेकिन ये हमारे फ्रेंड का एड्रेस है। अब यहाँ पर हम अपना वाला एड्रेस सेट करेंगे यानी कि डालेंगे, यहाँ पर हम ऐड करेंगे, सेव करेंगे, तो हम कहाँ पर अपना एड्रेस भरेंगे, तो इसके लिए ऐड ए न्यू एड्रेस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला पेज निकल के आ जाएगा। यहाँ पर आपका एड्रेस डिटेल्स आपसे देखने को मिल जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं जो आपका पिन कोड होगा, तो ये वाला पिन कोड है, चलो हम इसे ही ले लेते हैं। अगर आपको यहाँ पर आपको पिन कोड चूज करने का ऑप्शन ना आए तो ये आपको मैनुअली भरना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना नेम, आपका नेम क्या है, तो जैसे मान लीजिए हम अपना नाम डाल देते हैं शिवम पाल। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर क्या है, तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए, इस तरीके से अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए, जो भी आपका मोबाइल नंबर हो इस तरीके से आप डाल दीजिए। डालने के बाद यहाँ पर आपको अपना पिन कोड यानी कि जो आपके आधार कार्ड के पीछे लिखा होता है वो आप डाल दीजिए, अपना स्टेट डाल दीजिए, अपना सिटी डाल दीजिए या कि आपका सिटी कौन सा है, तो हम यहाँ पर डालेंगे सिटी। यहाँ पर हम डाल देते हैं अपना सिटी, जो सिटी है वो है यहाँ पर अकबरपुर, या हम डाल देते हैं ये वाला सिटी अपना करवक का। और उसके बाद अपना हाउस नंबर या बिल्डिंग नेम, आप कहाँ पर रह रहे हैं, अगर आप किसी गांव में रह रहे होंगे तो आपका हाउस नंबर होगा, अगर आप किसी बिल्डिंग में रह रहे होंगे तो उस बिल्डिंग का नंबर होता है, तो वो आप यहाँ पर डाल दीजिए जो भी हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उस बिल्डिंग का जो नेम होगा यहाँ पर आप नेम डाल दीजिए या उसका आप नंबर यहाँ पर इस तरीके से डाल देंगे इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आना होगा, यहाँ पर अपना रोड नेम यानी कि कॉलोनी नेम, तो आपका जो गांव या घर या कॉलोनी किस रोड पर है तो उस रोड का यहाँ पर आप नेम डाल देंगे। आपका ये वाला एड्रेस कहाँ का है, आपके घर का है, आपके ऑफिस का है, यहाँ पर आपको सेट कर लेना होगा। जैसे ये हमारा एड्रेस हमारे घर का है तो इस पर हम क्लिक करेंगे होम, और उसके बाद सेव एड्रेस। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे अब आपका यहाँ पर जो एड्रेस होगा आपका सेव हो जाएगा। जैसे इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे, हमारा जो एड्रेस होगा वो यहाँ पर सेव हो चुका है जैसा कि आपको दिख रहा होगा। सारी जानकारी आपको अच्छे से यहाँ पर फिलअप करना होगा। अगर आपको कुछ भी परेशानी होती है तो फिर से आप एडिट पर क्लिक करिए। एडिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप डाल दीजिए अपना पूरा नेम, तो जो भी आपके गांव का नेम हो वो इस तरीके से आप डालेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से डाल दिया है, और अब आपको सेव कर देना है, जो आपका एड्रेस होगा वो सेव हो जाएगा सक्सेसफुल जैसा कि आपको ऊपर दिख रहा होगा। तो इस तरीके से अपना फ्लिपकार्ट के अंदर अपना एड्रेस आप ऐड कर सकते हैं, भर सकते हैं, कोई भी आपको परेशानी नहीं मिलेगी। और अब आप ऑर्डर करेंगे तो आपका जो ऑर्डर होगा इसी एड्रेस पर आपके पास आ जाएगा। अगर आपने कोई दूसरा एड्रेस भी ऐड करके रखा है, जैसे मैंने यहाँ पर दो एड्रेस ऐड करके रखे हैं, तो जब आप ऑर्डर करेंगे ऑर्डर करते समय आपको एड्रेस चूज करने का ऑप्शन आ जाएगा और उस एड्रेस को चूज कर लेना। अगर आपका दूसरा वाला यहाँ पर है तो आप दूसरे वाले पर क्लिक करके उसे आप रिमूव भी कर सकते हैं और आपका यहाँ पर सिर्फ एक एड्रेस बचा रहेगा और इसी एड्रेस पर आपके सारे प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। तो ये होता है पूरा प्रोसेस जो अब ये बदल कर इस तरीके से हो चुका है। मैं आशा करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करिए, और हाँ अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना ताकि यार उनको भी पता चले जाए कि एड्रेस को चेंज कैसे करते हैं या पहली बार उसे कैसे सेट करते हैं यानी कि भरते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।